तो यार देखो, सुपर हीरो मूवी को कमर्शियली मतलब कि पैसों के मामले में किसी ने सक्सेसफुल बनाया है तो वो है स्पाइडरमैन के कैरेक्टर ने। भाई जब सैम रैमी की स्पाइडरमैन मूवीज ने बिलियन का बिजनेस किया था तब जाके प्रोड्यूसर्स को इस जॉनरा में इंटरेस्ट आया और सुपर हीरो मूवीज का क्रेज बढ़ गया। लेकिन इन सब के बाद भी कई स्पाइडरमैन मूवीज ऐसे भी हैं जो कि बीच में ही कैंसिल कर दिए गए, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहली जो स्पाइडरमैन की मूवी है वो 1985 में आने वाली थी। अब ये वो टाइम था जहां 1983 की सुपरमैन 3 बॉक्स ऑफिस पे पिट गई थी और इसी को देखते हुए मार्वल कॉमिक्स ने स्पाइडरमैन के मूवी राइट्स कैनन फिल्म्स को दे दिए। इस डील पे कि अगर हर 5 साल पे एक मूवी नहीं बनी तो वो राइट्स वापस मार्वल कॉमिक्स के पास आ जाएंगे और कैनन फिल्म्स ने भी ये राइट्स $225,000 में ले लिए। कैनन फिल्म्स ने इस मूवी की स्टोरी पे काम करना स्टार्ट भी किया लेकिन स्टैनली को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने एक अलग स्टोरी उन्हें ऑफर किया जहां डॉक्टर ऑक्टोपस और पीटर पार्कर थे। डायरेक्टर जोसेफ जीटो इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे, बॉब हॉस्किन डॉक्टर ऑक्टोपस का रोल करने वाले थे और टॉम क्रूज पीटर पार्कर का। इवेंचुअली कैनन फिल्म्स ने इस फिल्म का बजट कम कर दिया जिसके कारण डायरेक्टर ने मूवी छोड़ दिया और धीरे धीरे सब कुछ रुक सा गया और ये मूवी कैंसिल हो गई। लेकिन यार ये बात सच है कि अगर ये मूवी बन जाती तो हम टॉम क्रूज को स्पाइडरमैन के रोल में देखते हैं। वैसे इस लिस्ट में जेम्स कैमरॉन की भी स्पाइडरमैन मूवी है लेकिन उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले बात कर लेते हैं हम लोगों के फेवरेट सैम रैमी की स्पाइडरमैन की जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। भाई इसके 3 मूवीज ने मिलकर $2.5 बिलियन का कलेक्शन किया था, वो भी आज से 15 साल पहले। लेकिन यार ऐसा क्या हुआ कि इसको कैंसिल करना पड़ा? तो बेसिक यही था यार, पैसे का चक्कर। इसका जो थर्ड पार्ट था वो प्रीवियस 2 मूवीज के हिसाब से बहुत ही कम कलेक्शन किया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि फोर्थ मूवी का प्लान नहीं हुआ। फोर्थ मूवी का बेसिक प्लॉट भी सैम रैमी ने रेडी कर दिया था और हमें यहाँ वल्चर दिखने वाला था, लेकिन क्योंकि मार्वल और सोनी के बीच हुए डील के अकॉर्डिंग हर 5 साल पे एक मूवी बननी चाहिए थी, नहीं तो राइट्स अपने आप मार्वल के पास चले जाते, तो इसी कारण स्पाइडरमैन 4 का रिलीज डेट 2011 रखा गया, जबकि उस टाइम तक सैम रैमी ने इस मूवी की स्क्रिप्ट भी कंप्लीट नहीं की थी। अल्टीमेटली उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना और वो नहीं चाहते थे कि स्पाइडरमैन 3 की तरह इसका भी वैसा ही हाल हो, इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। अब सैम रैमी के जाने के बाद सोनी ने इस फ्रेंचाइज को यहीं पे कैंसिल कर दिया और रिबूट करने का फैसला किया, जहां उन्होंने 2012 में दी अमेजिंग स्पाइडरमैन रिलीज किया। अब यहीं पे हमारे नेक्स्ट 2 और मूवीज आते हैं जो कि कैंसिल हुए थे, अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एंड 4, जहां फिर से पीटर की ओरिजिन देखने को मिली और अंकल बेन यहां फिर से मरे। यार अंकल बेन भी कहते होंगे, गजब बेइज्जती है। खैर ये अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज के 2 पार्ट्स रिलीज हुए और इस फ्रेंचाइज को मार्क वेब ने डायरेक्ट किया था। फर्स्ट पार्ट को मिक्स्ड रिव्यूज मिले, ये मूवी कई लोगों को पसंद आ रही थी कई लोगों को नहीं। मूवी में मेन अप्रिसिएशन इसके VFX, स्पेशल इफेक्ट्स और एक्शन सीन्स को मिला और इससे मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि जो एक्शन सीन्स अमेजिंग स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइजी में थे वो आज तक किसी दूसरे स्पाइडरमैन की मूवी में नहीं मिले हैं। 2014 में इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज किया गया और यही गड़बड़ हो गई। मूवी ने $700 मिलियन का कलेक्शन तो कर लिया लेकिन उस टाइम तक बने सारे स्पाइडरमैन मूवी में सबसे गंदा रिव्यू इसी को मिला था। भाई यही होता है जब आप कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस ना करके सिर्फ VFX पे फोकस करते हो। रिलीज होने के जस्ट बाद ही सोनी ने मूवी का हाइप बनाए रखने के लिए और अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स का फ्रेंचाइज और बड़ा करने के लिए अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एंड 4 को भी अनाउंस कर दिया, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग ये मूवी जाकर देखें। अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एंड 4 2016 और 2018 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन जब सेकंड पार्ट का पूरा परफॉर्मेंस देखा गया, कलेक्शन को देखा गया, तो उन्हें ये रिस्क लेना वर्थ इट नहीं लगा और यहीं उन्होंने ये फ्रेंचाइज को कैंसिल करके मार्वल स्टूडियोज के साथ नया डील किया, जहां उन्होंने इस कैरेक्टर के राइट्स को शेयर कर लिया और फिर MCU में 2015 से पीटर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि उन्होंने डायरेक्टली स्पाइडरमैन को बिना किसी और प्लानिंग के MCU को दे दिया था। इसी बीच उन्होंने कई स्पिन ऑफ मूवी का भी प्लान किया और यहीं पे 2 मूवी थी जिसमें कि स्पाइडरमैन दिखने वाला था। 2012 में अमेजिंग स्पाइडर-1 के सक्सेस के बाद 2 स्पिन ऑफ मूवी प्लान की गई, एक तो वेनम के 2 पार्ट्स और एक सिनिस्टर 6, और इन सब में एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन दिखने वाला था। लेकिन 2014 में सेकंड पार्ट के फेलियर के बाद उन्होंने इन दोनों स्पिन ऑफ को कैंसिल कर दिया। लेटर वेनम की स्टोरी में थोड़े चेंजेस करके टॉम हार्डी के साथ रिलीज किया गया जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही, लेकिन जिस सिनिस्टर 6 का प्लानिंग हुआ था वो तो कैंसिल ही समझो। लेकिन यार सुनने में आया कि एक अलग वर्जन है जो कि हमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं जेम्स कैमरॉन वाले स्पाइडरमैन पे, जो कि उस टाइम कैरल को पिक्चर्स में काम कर रहे थे। उन्होंने अपना एक स्पाइडरमैन मूवी का स्क्रिप्ट सबमिट किया। इस स्क्रिप्ट पे वो 1980 से काम कर रहे थे। स्क्रिप्ट अराउंड 57 पेजेस की थी और यहाँ ये कोई चाइल्ड फ्रेंडली मूवी नहीं थी,
बल्कि एक आर रेटेड मूवी थी। लेकिन देखो, जो उस टाइम राइट्स थे वो कैरल्को पिक्चर्स के पास नहीं थे और मार्वल वालों के साथ कोई डील भी नहीं हो पाई थी, तो ये प्रोजेक्ट कभी बना ही नहीं और इसे कैंसिल किया गया। जेम्स कैमरॉन भी बाद में अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए और ये स्क्रिप्ट बस स्क्रिप्ट ही बन के रह गई। तो हाँ, स्पाइडरमैन को लेकर कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मूवी बनाना चाहा है, इवन जेम्स कैमरॉन ने भी, लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं हुए। पर ये बात मानना पड़ेगा कि जितने भी स्पाइडरमैन मूवी बने हैं उन सबकी एक अलग ही पहचान है, वो सब एक मेमोरी की तरह है। पर्सनली मुझे तो सैम रैमी की स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें कि टोबी मैग्वायर ने लीड रोल किया था। आपको कौन सी फ्रेंचाइज पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो कर ही लेना। स्पाइडरमैन के मूवी के राइट्स को समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो और अपकमिंग 13 स्पाइडरमैन मूवीज के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।